नमस्कार। आजुक रात खटरास के चेहरा छथि कवि कथाकार अरुण कुमार लाल दास। अरुण कुमार लाल दास ढंगा हरिपुर के पूरब टोल के निवासी छथि। दरभंगा सीएम साइंस कॉलेज से पढ़ने छथि। बैंक के नौकरी करने छलथि, ओतय से रिटायर भेल छथि आ वर्तमान में बेंगलुरु में रहै छथि। हमरा सा जे हुनकर परिचय अछि से तो डीएनए के कारण अछि, लेकिन कम्युनिकेशन फेसबुक के कारण अछि। केना नहीं केना फेसबुक फ्रेंड भऽ गेलहुँ आ ओकर बाद से हमर जिंदगी के तब बहुत समय जे छै आनंद में बीतल। हुनकर वाल पर जखन जाय छी, जखन किछु पढ़ै छी आ आनंदित भऽ जाइ। देखियौ, शुरू करै छी रात खटरास। हुनकर सबसे पहिल एगो कविता से शुरू करै छी जकर टाइटल छै माँ मैथिली। मायक बोली अपन भाषा, हरदम बाजू मान करू। मायक बोली अपन भाषा, हरदम बाजू मान करू। आ घर आंगन दफ्तर ऑफिस में बाजि बाजि सम्मान करू। जते बेर पढ़ै छी एकरा ने अते बेर नीक लगै छै। देसी बहिना सब्जन मिठा के बाद जो कोनो लाइन सीधा करेजा में उतरलै है, यह हमरा तो कि मिथिलांचल के सब दीवाल पर, बॉस के पाछू, होर्डिंग्स में, पोस्टर में ई लाइन लिख देबाक चाहिए। स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, मायक बोली अपन भाषा, हरदम बाजू मान करू। घर आंगन ऑफिस दफ्तर में बाजि बाजि सम्मान करू। अत्यंत साधारण प्रत्येक अगिल का लाइन और आनंदित करत। लिखने छथिन कि मुंबई हो या कर्नाटक, सब ठाम छे तपन समाज, हम बाजब तो आनो सीखत, सीखबे के अभियान। अइ कविता के जतेक बेर पढ़ै छी ओतेक आनंद अबै छी। आँय मिठगर बोली मिश्री घोरल, जय जय भैरवी शब्द में बोरल। ओ बाजी बाजी सम्मान करू, हरदम बाजू मान करू। अरुण कुमार लाल दास के जे शब्द छनि मिथिला मैथिली के आत्मा छै। चलू अगला पृष्ठ दिस चलै छी। लॉकडाउन के समय में लिखल छथिन, 22 मई के ई पोस्ट केने छलथि है। शीर्षक देने छथिन गाम बिना बुझने। पहले पढ़ लै छी तहन कनी बात करब एहि बारे में। लिखने छथिन दिल्ली से चल देलियै गाम बिना बुझने, आ तोरबे कोन होता लताम बिना बुझने। चार दिनक हंसी खुशी निक लगै छै बाबू, ओहिठाम खेबै की सुथनी बादाम बिना बुझने। ई लॉकडाउन के समय में जे मजदूर सबके पलायन भेलै, जे त्रासदी भेलै, ते पर तो जबरदस्त राजनीति भेलै। अरुण जी के ई शब्द ई लाइन मजदूर तक तो पहुँचलै नहीं, मजदूर तक तो खाली राजनीति पहुँचलै। नहीं तो मजदूर सब बुझते ने गाम केना जेबै, की करबै ओतऽ जाकर, एना किया भागल जाइ छी। आँय दिल्ली से चल देलिए गाम बिना बुझने, आ तोरबे कोन होता लताम बिना बुझने। ओ बहुत बहुत जबरदस्त एक्सप्रेशन छै ने, मजदूर के पलायन पर जे राजनीति छै ऊपर एगो संदेश छै बहुत। अगला पोस्ट और जबरदस्त सोची वाला लिखने छथिन। शीर्षक छै ट्रम्प कार्ड चलित रहलो। दूटा लाइन पढ़ दै छी। अहाँ छी समाजक पागधारी सब, हरेक बात में टांग अरबित रहलो। चलल सब दिन एक मनवानी, हम रात के दिन कहैत रहलहुँ। हम सब दिन सतायल छी गुटबाजी के, अहाँ हरदम ट्रम्प कार्ड चलैत रहलहुँ। बहुत पहले सर एगो हिंदी व्यंग पने रही की छलै है कि तू लटक लटक मैं उठा पटक, तेरी गति मेरा राज, तू है छिलका मैं हूँ प्याज। मैं कहने को तो वो गले मिलते हैं, अपनी हड्डी पतली एक कर देते हैं, उनकी ईद होती है अपनी मिट्टी पली धोती है। बिल्कुल सटीक कहलिए अहाँ, हम सब दिन सताएल छी गुटबाजी के, अहाँ हरदम ट्रम्प कार्ड चलित रहलो। अरुण सर जरा लग ट्रम्प कार्ड से चलबे करते ने सर। अगला पोस्ट देखे छी। अगला पोस्ट पालघर लिंचिन पर करे जा चीर कर
जे किछु निकललै अरुण कुमार लालदास जी लिख देने छथि। हम पढ़ि दै छी चारि लाइन। क्वारंटाइन करैत थाकि जेतै सरकारो, तबलीगी जमातक बकवास बाकी छै। सन्यासी बर्बरता सँ मारल गेल, किंतु सेकुलर सभक एहसास बाकी छै। सत्ताक ई खेल केहन घिनौना हे उद्धव, गरीबक एकजुटताक प्रयास अखन बाकी छै। एक कवि आर की कह सकै छै, की लिख सकै छै इससे ज्यादा। अरुण सर, अहाँ लॉकडाउन के माध्यम बनाकर एकटा जबरदस्त प्रेम कहानी अपलोड कयने छी, जकर नायक छै दिनमा आ नायिका छै सुमतिया। ई छोट कहानी छै, की कहै छै, बेनी कथा, हमरा जनता बे शॉर्ट स्टोरी। एकरा मतलब हमरा अतेक नीक लागल जे एकर चर्चा केर बिना हम नहि रहि सकै छी। अहाँ लिखने छियै जे कि सातमा तक सुमितिया और जे दिनमा छलै साथे पढ़ने छलै, आ सात आठ साल बाद दुनू के भेंट भेलैया आमक गाछी मे। आ ई नकपिच्ची सुमितिया गोर धबधब भऽ गेल छै, आ कद्दू जका सुतायल पोछल पोछल बाँहि। दिनमा तऽ देख कऽ छगुतामे रहि गेलै और प्रेम भऽ गेलै ओकरा पहिल नजर मे दिनमा के। सात आठ साल पहिले ओ नकपिच्ची छुटकी छोड़ी आई। दोसर दिस जे सुमितिया छलिए से बदमाशबा दिनमा भी जने छलिए, जकरा सामने तऽ आँखि नहि उठा सकै छलै, आइ जवान भेल सामने छलिए। वएह आमक गाछीमे दुनूके प्रेम परवान चढ़लै। आर रातिमे दिनमा मैसेज कऽ देलकै सुमितियाके कि हमरासँ बियाह करमे। एकर बाद जे चारि लाइन छै से हम पढ़ि दै छी। लिखने छथिन कि अधरतिया के बादे सुमतिया कठपुला लग ठाड़ छलै। दुनू गोटे पैदल रेंग देलकै बाबा कपलेश्वर स्थान। मंदिर में भोरे भोरे जयकारा लगबै दिनमा एक चुटकी सेनूर लकऽ सुमितिया के सीत लाल करैत बाजल, हे बाबा, हमरा दुनू के जन्म जन्म के लेल लह कऽ दिय। अतेक सार्थक प्रेम कहानी सर अही लिख सकै छी, या वह लिख सकैया जे प्रेम के प्रति समर्पित हुए। अही के साथे एकटा दोसर बिनी कथा छै, नौ लाइन गिनलिए, नौ लाइन में कथा छै पूरा, आ नाम छै लहास। लिखे छथिन, बारहो मास मधुबनी वाली अपन मरद परिछना के गरीबते हाँक दै छलैया। उठबै छलिए भोरे भोरे, रोग ढुकना बज्जर खसौ ई के जरा माथा में सेट गेल, डेरे डेरे जाकर काज करी, एकरा प्रतिपाल करी। आ ई रोग ढुकना के खाली झनमा ढेनमी जनवाब अबै, कते बेर ओकरा कहबो के लिए कि ए मधुबनी वाली एना नहि चिचाओ, एना नहि गरीबियो, भोरे भोरे सबके नींद खराब होइ छै। लेकिन किया कि अचानक काल्हिसँ ओकरा आवाज नहि अयलै। अधरतियेसँ सब धी बेटी आक्रोश कऽ कऽ कहने छलै, परिछनाके साँस थमि गेल छलैए कोरोना बीमारीसँ। ई कहानी पढ़लाके बाद ब्रह्मज्ञान भऽ जाइ छै लोक। अतेक यथार्थ चित्रण, एक तरफ सुमितिया के प्रेम आ परिछना के परिणति। दर्शक सबके अहाँ बता दै छी कि हम जे खिस्सा पिहानी अखन कऽ रहल छी, जे रात खट रात मे अरुण कुमार लालदास जी के वाल से लऽ रहल छी, ओ कनी कनी पढ़ि रहल छी हम। अगर अहाँ पूरा पढ़ऽ चाही तऽ हुनका वाल पर उपलब्ध छनि। हमरा जे लाइन अपना जनतब नीक लागल, कनी कनी उठेलहुँ पढ़लहुँ अहाँ सब लग, हुनके कृति
आने के कोशिश कर रहा छी सम्पूर्णता में हुनका वाले पर भेटत या और कोनो जे रास्ता हुए जे किताब हुए जे ओता भेटत। अगला पोस्ट देखे छी ई शायद गजल छै, हमरा ओते कविता गजल में भेद करने या हमर ज्ञान पर नहीं जाऊ, जे शब्द छै से हम बाजि दै छी। लिखने छथिन कि प्रेम के हसीन ठट्ठा बुझू अहाँ, एना हमरा तो दिल ने लगायल करू, अच्छी बसे ने अहाँ के अपन आँखि में बान नैना के एना जुनि चलायल करू। ई मिथिला जगत के अरुण कुमार लालदास धरोहर छथि, हिनकर शब्द जे लिखै छथिन तकर डॉक्यूमेंटेशन भऽ रहल हेतै हमरा उम्मीद अछि, नहि तऽ हेबाक चाही, नहि तऽ काल्हि लोक पूछत कि हुनकर शब्द कतऽ हरायल जे एहन एहन चीज लिखने छथि। देखियौ हमरा, हम साहित्यिक आदमी नहि छी ताहि दुआरे हम ज़्यादा हिनकर कथा कविता के पढ़ियो नहि सकै छी, पता नहि कतऽ की गलती भऽ जायत तऽ वएह देर मे की केने है पता नहि, से माफी चाहै छी जे कोई साहित्यिक आदमी छी हुनका सबसँ। लेकिन अरुण कुमार लालदास जी के कलम सँ जे निकलै छनि से हमरा जनतब है, डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं भेलै तो ये बहुत बड़का हानि हेतै, क्षति हेतै मिथिला के। और जे लिखे छथि खाली फेसबुक वाल पर किया छै से हमरा आश्चर्य लगैया, जन जन तक क्या नहीं पहुँच रहल छै। तो अगर अहाँ सबके रात खटरास निकलगैत हुए, अगर चाहै छी कि रात खटरास हम करैत रही, लोग अबैत रहै, तऽ अपन कनी कमेंट करू, लाइक करू, शेयर करू, सब्सक्राइब करू, अपन राय दिय, विचार दिय आर नामो सुझाओ, हाँ कि हमरा कोनो बड़का नाम मूछ वाला और चश्मा वाला और की कहै छै बड़का आदमी सब नहीं चाहिए, हमरा सार्थक आदमी चाहिए, हमरा अपन आदमी चाहिए, हमरा घरक आदमी चाहिए, समाजक आदमी चाहिए, मैथिल चाहिए, मिथिला के चाहिए। ताकि लगत वह बनल रहू साथे। जय मिथिला, जय हिंद।